तो अपनी हालत में हंसी भी आ रही है, ऐसे ही हम लोग हंस के अपना दुख सुख बांट रहे हैं दूसरे को देख के। तो गाइस आद्या का जो कल वाला जो सीड्स को हम लोग बोए थे उसका उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि उसका क्या ग्रोथ है, तो अभी लेके उसको आए हैं दिखाने के लिए। गाइस ये मुझे दो गाइस। दिखाओ इधर, दिखाओ इधर घूम के दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, ऊपर देखो। तो यहाँ पे बैंगन का कलौंजी बना रहे हैं, ये देखिए बन चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। और बैंगन का कलौंजी आजकल जैसे कटहल फेवरेट था वैसे ही बैंगन का कलौंजी भी हमारा अब फेवरेट हो गया है, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके मैं इसको मैं ढक दे रही हूँ और इसमें सारा कुछ धनिया वनिया मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वन खटोला ब्लॉग में। गाइस तो देखिए बेटी मेरी क्या कर रही है, सो के उठी है तब से ये इधर उधर सो रही है, सोफे पे सो रही है, इनका नींद ही नहीं खुलता है सुबह सुबह। और मैं बना रही हूँ खाना, मेरा लंच बन चुका है ऑलमोस्ट, पराठा बस बनाएंगे दिन में खाने के वक्त। और आद्या को अभी कफ, ड्राई कफ है। क्या हुआ बेबी, बेबी को क्या हो गया? ओली बाबाले, बेबी बेबी को क्या हो गया? मम्मा को मार रहा है। गाइस क्या बोलेंगे, मैम क्या बोलेंगे कि आद्या अपनी मम्मा को पीटी लगाती है? क्या खिला रही है आद्या? आद्या कुछ तो बना के लाई है। क्या बनाया है बेटा? खाना बनाई हूं। किसके लिए? पापा के लिए। पापा के लिए? अल्लाह को लगा के आई है ईयर में, देखिए ना। हाँ। इस ईयर में ना हेयर बैंड को लगा लेती है, इनको अल्लाह समझती है। डॉक्टर आ गया मेरा, चेक करो मम्मा को। गाइस यहाँ पे बन रहा है काढ़ा, इसमें अदरक और गुड़ और ये काली मिर्च डाल के काढ़ा बना रही हूँ, सर्दियों में फायदेमंद होता है। तो हम सभी का चल रहा है आजकल शादियों के सीजन अभी चलता है, तो हम लोगों का चल रहा है सर्दी खांसी का सीजन 2 महीना से, तो हम लोग बेचारे इसी में लगे हैं अपना तरकीब निकाल निकाल के ठीक करने में कि किसी भी तरह से हम लोग ठीक हो जाए। तो देखिए काढ़ा उबल रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको धीमी आंच पे कर देती हूँ। इधर आद्या राय जो है, आद्या राय व्हाट हैपेंड, इसके लिए एक अच्छा सा चेयर ले आना है, ये चेयर टूट चुका है बहुत पहले से ही, और एक स्टडी टेबल ले आना है, इसको बैठ के उसमें पढ़ाने की आदत डालनी है मुझे। हाँ बेटा टूट गया, जाएंगे ना तो ले आएंगे आपके लिए चेयर और एक टेबल। इधर आद्या के पापा बैठे हुए हैं और इनके शक्ल से क्या लग रहा है, उनको भी पावर मिली। जैसे किसी का शादी ब्याह होता था ना, तो दुल्हन आती थी या जाती थी तो कुछ मिठाइयाँ लेके जाती थी जो कि सब जगह आस पास पड़ोस में बांटा जाता था, वैसे ही आ इनको पाहुर हम लोग दे दिए हैं। पर ये बच नहीं पाए, पाहुर मिल ही गया फाइनली, तो इनको भी सर्दी जुखाम पकड़ लिया है आज से, कल ही से सिम्टम्स हो गया था लेकिन आज से चढ़ाई कर दिया है और पूरा चेहरा चढ़ उड़ गया है, इसी को कहते हैं पाहुर। तो अपनी हालत में हंसी भी आ रही है, ऐसे ही हम लोग हंस के अपना दुख सुख बांट रहे हैं दूसरे को देख के। गंदी वाली खांसी हो गई है और स्टीम भी ले रहे हैं, स्टीम भी ले रहे हैं गाइस, मतलब स्टीम भी ले रही हूँ और मतलब काढ़ा भी पी रही हूँ दोनों टाइम, बस दवाई नहीं खा रहे हैं क्योंकि दवाई कोई फायदेमंद नहीं होता, मैं बहुत बार खा के देख चुकी हूँ। तो गाइस ये देखो चाय, ये कड़ा बन चुका है और आद्या देखो गाइस इतना परेशान कर रही है, इसको कोई कमेंट करके बताओ कि ये लड़की कैसे सुधरेगी।
तो चलो गाइस हम भी इसी के साथ काढ़ा पी लेते हैं, उसके बाद सूप बनाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमको दो बार ऐसा हम मतलब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक एक डेढ़ महीने की खांसी, मैं दो दिन मात्र लगातार सूप पी हूँ और मेरा खांसी से ठीक हो मतलब ठीक हो गया। तो आज भी वही करेंगे, सूप बनाएंगे इस थोड़ी देर बाद ये पीने के बाद। तो अगर आप लोग को भी कुछ अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि कैसे मतलब सर्दी खांसी ठीक किया जा सकता है। तो गाइस आद्या का जो कल वाला जो सीड्स को हम लोग बोए थे उसका उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि उसका क्या ग्रोथ है, तो अभी लेके उसको आए हैं दिखाने के लिए। गाइस ये मुझे दो गाइस दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर घूम के दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, ऊपर देखो, बोलो अभी इसमें प्लांट नहीं आया है गाइस, गाइस में प्लांट नहीं है, छोड़ टच मत करो, टच मत करो अभी। इसमें ना हम लोग सीड्स कल डाले थे ना बेटा, तो इसको डेली हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि आया है। मैं चढ़ा हूँ बाबू सुनो, लेकिन कल इसमें कीड़ा रहता है, आपको कीड़ा, मैं चढ़ा हूँ अरे तुम चढ़ा हो पर मतलब कीड़ा है उसके बेटा, तुम देखो इसमें कितना, ये देखो आपको दिखा कीड़ा, ये देखो ये काला काला, ये देखो कैसे गिरा ना यहाँ पे, रख दो रख दो रख दो, तो ऊपर ऊपर भी दिख रहा है, ऊपर है देखो ना, दिखाइए। तो ये जो सीड्स है तब नहीं आएगा, उसको ढकना पड़ेगा मिट्टी से, कैसे ये ऊपर आ गया है? पता नहीं कैसे, लगता है पानी डाला या तो वो हो गया, पानी में नहीं उठ के ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, हल्का होता है ना, उसको ढकिए, ये सीड्स है ना दिख रहा है, हाँ यार दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, उसको ऐसे कर देंगे ना, उसको बस ऐसे मोटी से ढक रहा है। कितना ले आप डाले थे इसमें सीड्स? डाले थे यार आधा, नहीं डाले थे कुछ होगा अभी, अब मतलब तीन चार दिन में बाद पता चलेगा, एक हफ्ते बाद। अच्छा हुआ कि देख लिए हम लोग, नहीं आएगा तो माम को क्या कहेंगे यार, नहीं आएगा तो फिर मतलब माम कहेंगे हम लोग मतलब घटिया किसान है हम लोग घटिया किसान है। तो गाइस यहाँ पे रख दी रही हूँ, जो 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 इसमें सीड्स दिख रहा था ऊपर हो गया था, उस सीड्स को ढक दिए हैं, कीड़ा इसी में है बेटा यार हम जा रहे टमाटर तोड़ने यार, अभी टमाटर निकलेंगे, दो दिन और रुक जाओ। तो ये आए हैं टमाटर तोड़ने, देखते हैं कुछ पका हुआ निकल जाएगा तो तोड़ लेती हूँ, पर इसके पत्ते पता नहीं क्यों सूख रहा है। टमाटर में पानी देने के लिए निकाला जा रहा है। ये गाइस हम लोग आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे अपने, और वेदर अच्छा है, वैसे ग्राउंड फ्लोर पे आते कोई जिस नहीं आ पाते, और आते पापा को काम रहता है और संडे है आज, इसीलिए आए थे कि टमाटर देखते हैं क्या है। यार वहाँ मस्कीटो काटेगा तुमको, गंदगी है उधर, चलो ऊपर खाना खाने, चला इसको छोड़ दूंगी, कोई बचाएगा इसको, देखते कौन बचाएगा इसको, उठ के बैठ, नीचे क्या बैठती हो, गंदगी है नीचे, उठो आओ, देखो मैं आपको कैसे उठाता हूँ, बैठो बैठो वैसे ही बैठो, वैसे ही वैसे ही बैठो, कोई बचा, कोई बचा, कोई बचा हो, अदर डोंट टच एनीथिंग, अदर आपको पता है ना डस्ट रहता है, बैठो अपनी अपनी ट्रॉली पे बैठो, कहाँ ही लाइट जलने लग जा रही है, तो गाइस आद्या को थोड़ा सा वॉक करा के आते हैं क्योंकि अंदर अंदर बंद बंद मन हम लोग का भी परेशान हो रहा है, तो थोड़ा सा वॉक कर लेगी, अंधेरा हो गया है, देखिए आद्या अपने से नहीं बैठ पाएगा बेटा, हाँ दो यहाँ से निकाल निकाल मम्मा को दो, आप से देना,
लो सासी। अच्छा हे गाइस, तो रात को 10 बजे मैं गई आद्या का खाना बनाने किचन में, तो इसका सिलसिला खत्म हो चुका था। फिर हम सोचे क्या क्या करें क्या नहीं करें, और तो फिर हम ब्लिंकिट से मंगाए सिलसिला, क्योंकि रात को 10 बजे ऑलमोस्ट दुकानें और सब बंद हो जाती है, पर ब्लिंकिट एक ऐसा सर्विस है कि वो 11 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो फटाफट इसका सिलसिला आ गया, अब मैं जा रही हूँ इसको आदर को बनाऊंगी खिलाऊंगी, फिर इसको जल्दी सुलाएंगे। और गाइस, इनको बोले थे कि मेयोनीज मंगा देना, क्योंकि आदर को लंच में सुबह देने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं सोची कि ब्रेड सैंडविच बना देंगे इसको लंच में देने के लिए। और ये देखिए, इतना बड़ा मेयोनीज का पैकेट मंगा दिए हैं, जिसका कि मतलब इतना हमारे यहाँ यूज़ भी नहीं होता है। और मैं इनको क्या ही बोलूँ, मतलब छोटा सा मंगाने के लिए बोले थे, और जैसे लगता है कि हम रोज मेयोनीज ही खाते हैं। और खोला हुआ पैक हम ज़्यादा, मतलब खोला हुआ पैक ज़्यादा दिन रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खोला हुआ पैक जो होता है ना, बहुत दिन रखने से फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। अब मैं इनको क्या बोलूँ, पापा को दे दो, पापा खा लेंगे। चलिए ठीक है एनीवे, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल वन कर ब्लॉग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गाइस, बाय बाय, टेक केयर।